दोस्तों, बिग बॉस 13 की लेटेस्ट खबरों की अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सैयद टीवी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिग बॉस 13 में जहां घर गए अंदर सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, अरहान खान और आसिम रियाज, इन सब की फाइट चल रही थी, वहीं शहनाज गिल हमेशा की तरह सिद्धार्थ के साथ ही खड़ी हुई दिखाई दी, जिससे अब शायद सिद्धार्थ के फैंस या कोई और बिग बॉस के फैंस शहनाज को अब फेकनास नहीं बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि शहनाज ने अपने आप को साबित कर दिया है और बता दिया है उनसे ज़्यादा कोई भी अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेता। खैर दोस्तों, इसी सब के साथ एक और फाइट चल रही थी माहिरा शर्मा, पारस छाबरा और शहनाज गिल की। तो पहले तो मैं माहिरा शर्मा को एक जवाब दे दूँ कि माहिरा शर्मा तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है शहनाज गिल, और बहुत ज़्यादा प्यारी भी है। तो पारस और माहिरा अब अपनी हदों में रहें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, एक न्यूज़ ट्रेंडिंग और वायरल पल हो गई है कि क्या माहिरा शर्मा ने शहनाज को थप्पड़ मार दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कल के एपिसोड में जहां शहनाज सिद्धार्थ को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, वहीं शहनाज माहिरा को पीछे करते हुए उनको साइड कर देती हैं और उसके बाद माहिरा शहनाज को थप्पड़ लगा देती हैं। अब दोस्तों, ये न्यूज़ है ट्रेंडिंग पर। अब दोस्तों, वहीं कल के एपिसोड में पारस भी माहिरा को साइड लेकर जाते हुए दिखाई दिए गए हैं। अब दोस्तों, अगर ये न्यूज़ सच है और बिग बॉस ने इसको एडिट करके व्यूवर से छुपा दिया है तो बहुत ही गलत करा है बिग बॉस ने। वहीं दोस्तों, बहुत सी सोर्सेज ये भी बता रही हैं कि ये न्यूज़ फेक है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज गिल के फैंस ने बिग बॉस को टारगेट करना शुरू कर दिया है और माहिरा की इविक्शन के लिए भी ट्रेंड कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हमारी सोर्सेज की माने तो ये खबर सही नहीं है और ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है। माहिरा ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर ये खबर सच है तो आप लोग माहिरा की इविक्शन के लिए ट्रेंड करते रहें और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं बिग बॉस 13 की लेटेस्ट खबरों की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। गुड बाय दोस्तों।